चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में। और दोस्तों आज की इस क्लास की बात करें तो आज की क्लास हमारा डिविजिबिलिटी रूल से ही होगा, यानी विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम के रिलेटेड ये पार्ट टू है। याद रखिएगा कि इससे पहले मैंने, यानी हमारा जो टॉपिक होगा वो डिविजिबिलिटी रूल ही होगा, डिविजिबिलिटी रूल ही होगा, डिविजिबिलिटी रूल। यानी कहने का मतलब होता है विभाज्यता के नियम के नियम। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो पार्ट टू होगा। पार्ट टू क्यों बता रहा हूँ ये समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संख्या छः तक के डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम बताया हूँ। और आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो संख्या सात से होगा। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे संख्या सात से, यानी संख्या सात से विभाजित होने के नियम क्या हैं इसकी मैं बात करूंगा। तो चलिए आज की क्लास होता क्या है कि जब सात की बात आती है कि सात से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा 343, एक संख्या लिख दिया मैंने 343। अब आपसे पूछा गया क्या 343 सात से विभाजित है, तो इस तरह की संख्या को चेक करने का आसान तरीका बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि जो लास्ट के इकाई अंक होता है, लास्ट के अंतिम अंक को उसको दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। दुगना करने पर जो अंक आए उसको शेष अंकों से, बचे हुए अंकों से माइनस कर दीजिए। तो 34 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 माइनस 6 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए 28 क्या सात से कटेगा? अगर 28 सात के पहाड़ा में आ रहा है, यानी सात से कट रहा है, तो वो संख्या पूरी तरह से सात से कट जाएगा। 28 सात से कट रहा है इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से सात से विभाजित है। चलिए अब एक तरीका मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन बताया, चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिखा कि क्या 7 4 3 7, क्या ये संख्या सात से विभाजित है? अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, संख्या लास्ट के दोगुना कर दीजिए, 7 × 2 = 14 आ गया। 14 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ कितना आ गया, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 3 3 में से 1 गए 2, और यहाँ बचा 7 7 × 29। अब क्या 7 × 29 सात से डिवाइड हो जाएगा? अब आपको 7 × 29 तक आपको यही करना पड़ेगा, 7 × 29 / 7, तो 7 × 7 7 × 7 जीरो लगाएंगे, 7 × 28 नहीं कट रहा है, यानी दी गई संख्या नहीं कटेगी। तो अब मैं यहाँ पे एक तरीका और बता देता हूँ। अब इसको और करते जाइए, फिर इसको दुगना कर दीजिए, 9 × 2 = 9 × 2, तो 9 × 2 = 18, कितना आ गया, 18 को 72 से माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे 6 में से 1 गए 5, तो कितना आ रहा है, 7/56 नहीं कटेगा, यानी ये संख्या नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम संख्या को चेक कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा कि संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस तरह की संख्या को हम पूरी तरह से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये था 7 से डिविजिबिलिटी की रूल, यानी 7 से विभाजित होने के नियम क्या था ये मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ संख्या 8 से कैसे कटेगा। कोई संख्या 8 से, 8 का नियम क्या है, संख्या 8 से विभाजित होने के नियम क्या है? तो संख्या 8 से विभाजित होने के सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका है कि अगर दी गई संख्या, मैंने कोई संख्या लिखा 9 4 3 2 8, ये संख्या लिख दिया, तो किसी भी दी गई संख्या के अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। विभाज्यता के नियम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप बेसिक रूल, या तो आपको भाग करना आपका फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए ऐसी संख्या को देखो कि लास्ट के तीन अंक क्या 8 से विभाजित हो जाएंगे। अगर लास्ट के तीन अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो दी गई संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा कि 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 8, ये संख्या कट जा रही है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एक संख्या और दे रहा हूँ, अगर ये संख्या यहाँ पे मैंने दिया 8 3 2 1 4, क्या अब संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी? तो फिर से चेक करते हैं, लास्ट के तीन अंक 8 × 16 = 16, 5 = 21, 5 = 54 हो गया,
आठ सते छप्पन नहीं कटेगा, आठ छः अड़तालीस नहीं कटेगा, यानी दी गई संख्या आठ से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या आठ से नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के तीन अंकों को आप चेक कीजिए, अगर दी गई संख्या लास्ट के तीन अंक, अगर दी गई लास्ट के तीन अंक आठ से पूरी तरह से कट जा रहे तो ऐसी संख्या आठ से विभाजित हो जाती है। चलिए अब दी गई मैं संख्या मैं नौ से चेक करता हूँ कि नाइन का रूल क्या है, नाइन का रूल क्या है। संख्या नाइन की बात करता हूँ तो नाइन, चलिए नाइन का रूल क्या है। मैंने आपको अगर पहले वीडियो में बताया है कि तीन के रूल क्या हैं, तीन से विभाजित होने के नियम क्या हैं, तो तीन से विभाजित होने के नियम ये था कि अगर दी गई संख्या है, कोई दी गई संख्या है, अगर दी गई संख्याओं का योग तीन से कट जाता है तो वो संख्या तीन से पूर्णतः से विभाजित है। ये तीन का रूल था। इसी तरह सेम तीन की तरह ही है, थ्री रूल्स जो थर्ड वाला रूल है, संख्या तीन से विभाजित होने के जो नियम है सेम इस पे भी अप्लाई होता है, नौ से भी अप्लाई होता है। यानी जो संख्या तीन से कटेगी वो संख्या नौ से कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि रूल आपका वही है, आपको करना क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। अगर संख्याओं का योग नौ से कट जाता है तो संख्या नौ से विभाजित हो जाएगी। जैसे नौ दो ग्यारह, ग्यारह आठ उन्नीस, उन्नीस से उन्नीस सात छब्बीस, छब्बीस छः बत्तीस। तो हमने देखा ये संख्या नौ से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता 8 और इसको लिख देता 9। अब देखेंगे क्या संख्या 9 से कट जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 9 दो 11, 11 8 19, 19 8 37, 37 9, 37 और 9, तो 37 9 हो गया 46, 37 9, 37 9 46, ठीक है, 37 3 40 6 46। तो क्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ, सबसे आसान ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखिए वही आपको रूल फॉलो करना है। आप पहले वो संख्या देखिए जो 9 से कट जाएगा, ऐसी संख्या हटाइए जो 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, हटा दिया मैंने। अब दो संख्याओं को जोड़ कर करके कीजिए, दो संख्या क्या 9 से कट जाएगा, दो संख्या का जोड़ो, दो संख्या अगर 9 से कट जाएगा तो उसको भी काट दो, इससे 8 2 10 नहीं कटेगा, 8 8 16 2 18, 8 8 16 2 18। तो यहाँ देखिए 8 8 16 2 18 ये संख्या कट जा रही है, आप देख सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह से 9 से कट जा रही है। और जबकि ऐसे देखिए, यहाँ मैंने संख्या क्या लिखा था, 9 2 8 8 9 ऐसे दिया था, बटे 9 कर दीजिए। मैंने क्या बताया था कि अगर दी गई संख्या का योग, तो फिर से जोड़िए, मैं हो सकता है मैंने गलती की हो जोड़ने में, 9 8 17, 17 8 25, 2 27, 27 और 9, 27 और 9 36 होता है, सॉरी मैंने 46 दिया था। तो यहाँ 36 देखिए 9 से कट जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीन की तरह, अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो पहले वीडियो को आप जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर मिस मत कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जो तीन का रूल है वही नौ का भी रूल है। चलिए अब नौ की बात क्लियर हो गई, तो नौ के बाद अब हम आते हैं संख्या दस का रूल, दस से विभाजित होने के नियम क्या हैं। तो दस से विभाजित होने के नियम क्या हैं ये समझ लीजिए, दस से, तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या जिसके लास्ट के जीरो आ जाए, जिसके अंत में जीरो आ जाए, वो संख्या दस से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, दस से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जिस संख्या के लास्ट के अंत में, जिस संख्या के अंत में अगर जीरो है तो ऐसी संख्या 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब चलिए 11 की बात कर लेते हैं, 11 की बात कर लेते हैं, तो 11 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, 11 की बात कर लेते हैं। देखिए संख्या 11 से विभाजित होने के नियम, तो संख्या 11 से विभाजित होने के नियम क्या है, चलिए इसको बता देता हूँ। जैसे एक संख्या है 1 2 1 4 1, ये संख्या है। अब आपको करना क्या है कि एकांतर संख्या, एकांतर संख्याओं को जोड़िए और उन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद अगर वो 11 के पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। एकांतर का मतलब कि इस संख्या को इससे जोड़िए, इस संख्या को इससे जोड़िए, इस संख्या को इससे जोड़िए, इस संख्या को इससे जोड़िए और इस संख्या को इससे जोड़िए। तो ये कितना आ रहा है, 4 2 6, ये कितना आ रहा है, 1 1 2 1 3। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए, अगर 0 आता तब भी कट जाता, नहीं तो 3 आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, यानी ये संख्या, कहने का मतलब 3 अंतर आ रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, और एक संख्या चेक कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्या ये संख्या कट जाए, जैसे 121 है तो मुझे पता है 11 ग्यारह ही 121 होता है,
तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए एकांतर अंतरों का योग ये हो गया, एक एक दो हो गया, ये दो हो गया और दो ये है, दो माइनस दो करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो संख्या आ गया तो इसका मतलब ये ग्यारह से कट जाएगा, या तो जीरो आए या तो ग्यारह के टेबल में आए, तो ऐसी संख्या दो से कट जाएगी। जैसे अब मैं एक संख्या और चेक कर लेता हूँ, कोई संख्या और क्या कटेगी, बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। देखिए आठ दो छः, आठ दो नौ, और जीरो लिख दिया, यहाँ पाँच लिख दिया। अब मैंने लिख दिया, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? मैंने ये संख्या लिख दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? तो आपको 11 से बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से नहीं करेंगे 11, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आसान रूल यही है कि एकांतर संख्या, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए और इसको इससे जोड़ दीजिए, एकांतर संख्या। तो ये कितना आ गया 8, 6, 14, और ये कितना आ गया 9, 5, 14। तो 14 माइनस 14 का अंतर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। 14 और 14 का अंतर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जब जीरो आ रहा है तो यानी ये संख्या 11 से कट जाएगी। जीरो आएगा तो कट जाएगा, या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, ऐसी संख्या 11 के टेबल में आना चाहिए। मैं आपको ऐसे भी काट के दिखा सकता हूँ, जैसे देखिए ये संख्या को ऐसे भी काट के दिखा सकता हूँ। देखिए देखिए कैसे काटेंगे, 8, 5, देखिए ऐसे 11 से काटिए, 11 से 77, 77 कितना 85 हो गया, 77 अगर करेंगे तो 77 8 85 86 हो गया, 86 हो गया, फिर 11 से 77, 77, अब 77 9 9 बचा 99, 11 9 99, जीरो कट गया ना 11 से। तो कहने का मतलब जो रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग आप 11 का टेबल, अगर 11 से डिवाइड करने का नियम सीखना चाहते हैं तो आप उस रूल से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अब ऐसे में कुछ नंबर और बता देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है। देखिए अब इसी में कुछ नंबर आता है, जैसे जैसे आ जाता है 12 14 15, ऐसे संख्या किससे कटेंगी, ऐसी संख्या से क्या रूल है, या फिर इस तरह की संख्याओं को हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या, इन संख्याओं से कौन सी संख्या कटेगी? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, 12 का फैक्टर होता है 3 गुणे 4, 14 का फैक्टर होता है 2 गुणे 7, 15 का फैक्टर होता है 5 गुणे 3। तो यानी 12 से वो संख्या कटेगा जो 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, 14 से वो संख्या कटेगा जो 7 और 2 से दोनों से कट जाएगा, 15 से वही संख्या कटेगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा। ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कटे, एक से नहीं, कंडीशन दोनों है, कंडीशन ये है कि इन दोनों से कटना चाहिए, वो संख्या इन दोनों से कटना चाहिए तभी 15 से कटेगा। और ये संख्या 14 की जो बात कर रहा हूँ, इन संख्या से दोनों कटना चाहिए, मतलब 7 और 2 से अगर कट रहा है तो दी गई संख्या 14 से कट जाएगी। अब 12 की बचा, तो 12 का मैं बता दे रहा हूँ, 4 और 3 से अगर कट जाएगा तो संख्या 12 से भी कट जाएगा। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बाकी रूल बता दे रहा हूँ, ऐसे अगर ऐसे नंबर आगे हैं, ऐसे ऐसे 18 है तो 18 6 और 3 है, ऐसी संख्या जो सम, कहने का मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्या को इसी फैक्टर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। लेकिन कुछ संख्या हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ संख्या जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जैसे इसमें आ जाता है आपका 13 आ जाता है, 13 के बाद आपका आ जाता है 17 आ जाता है, 17 के बाद आपका आ जाता है 19 आ जाता है, ये ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया है। ऐसी संख्याओं का रूल क्या होता है, देखिए ऐसी संख्याओं का रूल होता है कि क्या 13 जो है, जैसे हमने कहा कि एक संख्या है 352, क्या ये 13 से डिवाइड है? तो ऐसी संख्या को आप रूल खुद बना सकते हैं, जैसे इसको 4 गुना कर दीजिए और 4 गुना करने के बाद इसमें जितना आए 8 को जोड़ दीजिए, 35 8 कितना हो गया, 35 8 8 जोड़ दीजिए, 35 8 कितना हो गया 43। अब देखिए क्या 43 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या 13 से नहीं कटेगी। इस तरह से आप खुद रूल बनाइए, रूल का मतलब देखिए मैं रूल नहीं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रूल बनाइए। आप कैसे बना सकते हैं, आप इसकी जो रूल है ये रूल खुद बना सकते हैं आप। अब इससे ज़्यादा हमें डिजिटल रूल सीखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? तो डिजिटल रूल में बस इतना ही, आगे कुछ और मैथ की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में जितनी भी सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, वो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं।
तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए व्यूअर हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही मैथ की हर क्लास मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।